तो साला चंडाल है, जब से आया मादरचोदी खाली रुपये कमा के फेरा में है, साला बिना ट्रके वाला सब नेता बन गया इसा। कहिए करब खरब रुपया तो बुझ जासन भैया, सब लोग जाग गइल बाटे तो अब तो जान ली हो। भोजपुर के माइनिंग अफसर है, उनको धमका के ये लोग पैसा मांग रहे हैं। ट्रक एसोसिएशन के लुटेरा गैंग के ऐसा खुलासा भइल कि मिर्ची लाग गई, भक भका के एकदम सब बाहर आवे लगलन। सबन के पोल खुले लागल तो सबन के दिमाग खट्टा हो गई, तो औसन लोग के भी बयान आवे शुरू भइल जे एकनी के शिकार भइल बनन। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक। कल मैंने दिखाया ना कि किस तरीके से ट्रक एसोसिएशन की आड़ में लुटेरा गैंग लूटकांड करता है, किस तरीके से स्कॉर्पियो वसूल कर लिया जाता है, 50 लाख रुपए का डिमांड कर लिया जाता है, किस तरीके से शिकार बनाते हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों को, ट्रक एसोसिएशन की आड़ में ट्रक मालिकों के स्वयंभू नेता घोषित करने वाले खुद को कैसे लूट गैंग चलाते हैं। और जब ये प्रसारित हुआ ना तो फिर क्या मिर्ची लगी ऐसी कि सब भकभका करके बाहर आने लगे, और ऐसे लोग भी अब बयान देना शुरू किए जिनको शिकार बनाया इन लोगों ने, जो पीड़ित हैं। आप सुन सकते हैं उनका ऑडियो कुछ आया हुआ है जिसको मैं सुना रहा हूं। इस चोरवा के बेटवा ग्रुप भी बनाया है, ये तो चोर मादरचोद है ही है, सारा परिवहन को तो ही बर्बाद कर दिया हम लोग का व्यवसाय को। ये तो साला चंडाल है, जब से आया मादरचोदी खाली रुपये कमा के फेरा में है। इसको तो कई एक बार हम करियाए और 6 महीना से खोज रहे, मिल नहीं रहा। पैसा तो ही हम लोग के नाम पर लुटा ही है, एसोसिएशन बना के अबेटवा ग्रुप के प्रभारी बन के, और ये सब साला एगो मीडिया को मिला लिया है, आ ये सब 2-3 आदमी मिल के बाबा मामा ये सब तो रुपया लुट ही रहा है। हम लोगों को तो इसका जानकारी यही है पहले से, लेकिन कर क्या सकते हैं, इसको तो हम खोज रहे हैं, साला मिल नहीं रहा। इस पर केस भी 2-3 किता करना जरूरी है। ये साला चोर है मादर चोर, इसको एगो ट्रैक नहीं है। मीटिंग में हम लोग कहता था, उसी समय हम प्रदेश अध्यक्ष भानु बाबू को कहे थे कि इसके पास तो ट्रैक नहीं है, इसको क्यों नेता बना रहे हैं। अब फिर साले अलग संगठन और प्रभारी हो रहा 12 करके, और ट्रक वालों को तो बेच ही रहा है। 1-2 बार इसको हम कर आए हैं, तो साला जब तक ये मराएगा नहीं तब तक ट्रक व्यवसाय चलने भी थोड़े जा रहा है बिहार में। ये साला पक्का चोर है, इसको एको वो ट्रैक नहीं, और साला प्रभारी बनल फिर रहा है। इसको तो हम खोज रहे हैं 6 महीना से, साला मिलता ही नहीं है। मिल जाएगा तेरा छाती पर चढ़ के हम छाती तोड़ देंगे साले को। हम लोग को ट्रक चलाना है, ये साले चुतिया पैसा मांगने जाते हैं अफसर से, तो क्या कीजिएगा। ऐसा भैया साला चंडाल, इस पर केस करने का जरूरत है। पदाधिकारियों को भी और हम लोग को भी केस करना चाहिए, इस पर केस किया जाएगा। जब तक ये साला स्थिर नहीं होगा गाड़ी को चलने नहीं देगा। प्राण खींच लिया ये हम लोग को, साला बेच दिया प्रभारी बन बन के। साला ही कहाँ से प्रभारी बन गया, साला केस को बना दिया। ये वो ट्रक मालिक इसको नेता नहीं मानता है, लेकिन अफसर भी जो बरिया ही जाता है, बरिया ही लेटर लिखता है और सबसे पैसा ठगता है। ये तो कर ही रहा है साला पंकज भाई, साला पक्का चोर है। दोगला मादर चोर, जलमल बहन चोर, पूरा व्यवसाय को चौपट कर दिया हम लोग का ही। साला जब से 2 साल से आया ट्रक चलना मुश्किल हो गया, यही सब लिख लिख के साला फाइन करवाया, तो ये करवाया बहन चोर, बर्बाद कर दिया पूरा इस व्यवसाय को साले चुतिया ही। क्या कह लिया धीरज भाई, देखिए इसको आओ उधेड़िए, इतना जाने हैं तो इस पर अब कल हम लोग एक्शन लेते हैं कुछ, कैसे इसको ठीक किया जाए। साला ट्रक वाला के नाम पर पैसा कमा रहा है नेता बन के, और ट्रक व्यवसाय हम लोग को मरते जा रहा है। साला इतना मादरचोदी इस तरह का नेता हो गया है कि वही में तो व्यवसाय चौपट हो गया। साला बिना ट्रके वाला सब नेता बन गया, ऐसा क्या कीजिएगा। तो बुझ जासन भैया, सब लोग जाग गइल बाटे तो अब तो जान ली हो। कुछ लोग हैं कि यही चाहते हैं गाड़ी वाला मरे, और कुछ ग्रुप जो बना के धंधा बना लिया है। जो देशवा न्यूज के जो बोल रहे हैं वो क्या सुनिए उनका न्यूज, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यही कामें बचा हुआ है, क्या कीजिएगा। गाड़ी वाले लोग का तो दुश्मन रोज मुंगेर प्रशासन सोया हुआ है, लोन सुता दिया। चलो भागलपुर, भागलपुर अब सब्जी खरीदने भी जाइएगा तो पुल पर जामे मिलेगा, क्या कीजिएगा। गाड़ी वाले का दुर्भाग्य है, और हम लोग मिर्जा चौक इसी तरह बंद हो गया, जो भी अब काम खत्म है, भीख मांगने का नौबत आइए गया है। कुछ लोग हमसे 3-4 घंटा पहले कह रहे थे कि प्रभारी के द्वारा साक्ष्य मिल जाएगी, अब क्या साक्ष्य चाहिए, खुलेआम जौन फर्जी संगठन के फर्जी आदमी है
प्रशासनों को धमका के भोजपुर माइनिंग के भोजपुर के माइनिंग अफसर है उनको धमका के ये लोग पैसा मांग रहे हैं। आज खुलासा हो गई कि बिहार में सभी जिला में फर्जी संगठन बना के धमका के डरवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के धमकी दे के प्रशासन के तुरमुर करके पैसा के डिमांड ये लोग करते हैं। ये पंकज सिंह जो फर्जी संगठन बना के बिहार के सभी माइनिंग DTO MBI मोबाइल थाना अध्यक्ष SI छोटा दरोगा सिपाही सभी लोग से ये लोग पैसा के डिमांड करते हैं। ये पंकज सिंह के बयान आप लोग सुनिए ध्यान से। आप अपने के बोलते हैं हम बिहार के सुधार देंगे, अरे तुम तो भ्रष्ट आदमी हो भाई, तुमसे भ्रष्ट बिहार में क्या है? तुम्हारा साक्ष है, हम लोग साक्ष कहीं दिखा दो, हमारा साक्ष तुम पूरे बिहार में कहीं दिखा दो। तुम्हारा साक्ष आज न्यूज चैनल पर चल रही है, पूरे बिहार दिख रहा है, देश दिख रहा है। बहुत कुछ होने वाला है, तुम लोग बचोगे नहीं। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि ये लोग जो है ना, ये गैंगस्टर जो हैं, जो लुटेरा गैंग वाले जो हैं, ये पंकज सिंह एंड कंपनी, ये लोग हमारे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी अनाप शनाप लिख रहे हैं। मैं बता दूं कि ये पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था जो है ना, महिलाओं को भले ही राजनेता जो हैं वो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात करती है, बराबरी का दर्जा देने की बात करती है, लेकिन देख लीजिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा के बारे में तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, डेराए वाली लड़की ना ही है, चाणक्य के खानदान के ही है, बुझ जइह जा, जहाँ जा ली बबीता मिश्रा न जानते रह न मामला के खलास करके आवेली। जिस जगह पर देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा पहुंचती हैं, वहां मामला जो हाथ में आता है उस मामले का निष्पादन ही करके मानती हैं, डरने वाली लड़की नहीं है बबीता मिश्रा। बबीता मिश्रा के बारे में जानना चाहते हो तो जान लो, बबीता मिश्रा रूबरू मिसेज इंडिया है, आई ग्लैम मिसेज बिहार है, और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है, सशक्त महिला है, ठिकाने लगाएगी तुम लोगों को, तुम लोगों का पर्दाफाश करेगी, तुम लोगों के जड़ तक को खोद करके दिखाएगी, और खोद करके दिखाएगा देशवा न्यूज। तब बबुआ ये तरीका से डरवावे के कोशिश मत करा जा, कहे कि देशवा न्यूज केहू से डराए वाला नहीं खे, पिछला इतिहास तो हम लोग खंगाल लिया जा, जौना मामला में देशवा न्यूज पड़ेला ना तो निपटारा हो खबे करेला। बहुत परिस्थिति खराब है, ट्रक मालिक भी वैसा ही है, अब कोई मर्द बचा कहाँ ट्रक मालिक में? अब बताइए, संगठन बना के ठगने का कार्य कर रहा है और ट्रक मालिक में कहीं विरोध का क्षमता नहीं है, उसको खोज लेना चाहिए था। बिहार के ट्रक मालिकों को जो हमारे व्यवसाय को, हमारे व्यवसाय को बेचने के लिए अधिकारियों के हाथ से रुपया 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख मांग रहे हैं, सारे लोग में यह मामला वायरल हो गया, उसके बाद भी ट्रक मालिक उसको नहीं खोज रहे हैं, ये दुर्भाग्य ना है। हम तो उसको 6 महीना से खोज रहे हैं परंतु मिल ही नहीं रहा। उस आदमी भी काट लेने तो कम है जो पूरे बिहार के ट्रक मालिक को बर्बाद कर दिया, खा गया, कहिए खरब खरब रुपया हरजाना भरवाया। यह आदमी ट्रक मालिक के हितैषी हम बराबर बोले हैं कि कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी तरह से कमा रहा है और आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। गलत और सही का निर्णय करने के लिए कोर्ट और न्यायालय बने हुए हैं, तो ये तो कभी ट्रक मालिक के हित में ही मामला जा ही नहीं सकता है। व्यवसाय को अपना जैसे हो लोग बचाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का हर आदमी को इच्छा शक्ति होती है, वो कमाता है ट्रक चला के, और ये हमारे व्यवसाय को बेच के हमको बर्बाद करके रुपया वसूल रहा है बिना ट्रक के मालिक हो के। ट्रक यूनियन का प्रभारी बना हुआ है पूरे बिहार का और ट्रक मालिक इसको कुछ नहीं बोल रहा है, यह दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है दीपक भैया? पटना जैसे जिला में इतना ट्रक मालिक है लाखों लाख, और तब ये आदमी को ब्लैकमेलिंग कर रहा है पूरे पटना जिला के लोग को, बेच रहा है इस व्यवसाय को, बर्बाद कर दिया सारे लोग को, और फिर भी कोई लोग इसको खोज नहीं रहा है, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या कर सकते हैं इसको? हम तो इसको खोज लेंगे, केस भी इस पर होगा, नहीं होगा तो हम करेंगे भी, लेकिन इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। यही आदमी पूरे समाज, हमारे ट्रक व्यवसाय और समाज को बर्बाद किया है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको हम खोज लेंगे, और सब लोगों को खोजना चाहिए। आप सबों से नम्र निवेदन है, अगर व्यवसाय को बचाना है, आज जो परिस्थिति हुई है, सारी परिस्थिति का जवाब ये 2-3 लोग हैं,
पैसा तसीलने के लिए, डराने के लिए कर कर के और ये तमाशा खड़ा कर दिया है। तो सबको खोजना चाहिए, लेकिन कोई नहीं खोज रहा है इसको, यही दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग मर रहे हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख फाइन भर रहा है और ये नहीं पूछ रहा है उससे, कह रहे माधव जो तुम लिख लिख के देता था, पढ़ पढ़ के देता था तो हमारा अंडर रोड गाड़ी चलान फेल होने के बाद फाइन हो रहा है, तोरा बाप देगा? कोई नहीं पूछने वाला है, क्या करने कहते हैं, ऐसा ही लोग हैं। मैं बता दूं कि ट्रक ऑनर्स का बहुत सारा बयान आया हुआ है, इसके कारण आज जो आप लोगों को अगला एपिसोड दिखाने वाले हम लोग थे वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, उसको देख करके आगे का इंतज़ार कीजिए। आगे एक दो दिन में और भी पार्ट इसका हम लोग दिखाएंगे जो कि बहुत ही लाजवाब है, और ये वैसे ही बिलबिलाते रहेंगे सब। बिलबिलैबा जा, घबरा जा मत, कहें कि देशवा न्यूज तो हम लोग के छोड़े वाला नहीं खे, कोनो मामला हमनी के ना छोड़ी ला जा। बबीता मिश्रा हर उस जगह पर पहुंचती है, देशवा न्यूज हर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अनैतिक कार्य होता है, और उस अनैतिक कार्य के खिलाफ आवाज उठाना ही हमारा मुहिम है, देशवा न्यूज का मुहिम है। क्योंकि देशवा न्यूज का स्लोगन है आपन देश के आवाज, समझे ना। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।